हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आगरा के बारे में। आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल याद आता है। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर बसा एक शहर है। आगरा भारत में विश्व के 7 अजूबों में से एक यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल की मेजबानी करता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आगरा में घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन कौन सी है और आपको यहाँ पहुँचना कैसे है, आप स्टे कहाँ कर सकते हैं, आपको यहाँ खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ है, आगरा के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि आगरा विजिट करने में आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आगरा कैसे पहुंचना है। आपको आगरा पहुंचने के लिए 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के माध्यम से आगरा देश के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप चाहे तो दिल्ली आकर बस स्टैंड के द्वारा आगरा पहुंच सकते हैं। दिल्ली से आगरा के लिए कई निजी और वॉल्वो जैसे लग्जरी बसें उपलब्ध है। आपका सेकेंड ऑप्शन है ट्रेन। वैसे तो आगरा में 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और आगरा शहर रेलवे स्टेशन, परंतु इनमें से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन भारत के मुख्य रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां से सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन चलती है। और आपका तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट। आगरा का अपना हवाई अड्डा खेरिया हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर पर है। यहां देश भर की प्रमुख एयरलाइंस द्वारा सेवा दी जाती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगरा में हमें होटल कहाँ लेना चाहिए और वहाँ के चार्जेस कितने होंगे। आगरा ताजमहल के कुछ दूरी पर आपको होटल्स के बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ आपको 500 से लेकर 5000 तक होटल्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि आगरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। आगरा में आपको हर प्रकार की फूड मिल जाएगी, लेकिन आगरा का पेठा केवल भारत ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले विदेशों के बीच भी काफ़ी मशहूर है। ऐसा समझ लीजिए कि इसे खाए बिना आगरा की यात्रा ही अधूरी है। और ख़ास तौर पर आगरा का पंची पेड़ा काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा आगरा में कई स्ट्रीट फूड्स भी प्रसिद्ध है, जैसे मुगलई पराठा और बेड़ई, जिन्हें आपको ज़रूर खाना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि आगरा में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और कौन से सीजन में आना चाहिए। तो दोस्तों, आगरा आप 2 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। रही बात आगरा आने की, तो दोस्तों अक्टूबर से मार्च का समय काफ़ी अच्छा रहता है। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है और वहाँ के एंट्री चार्जेस कितने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ताजमहल की। आगरा का ताजमहल विश्व के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जिन्हें सन 1553 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके निर्माण में लगभग 21 साल का समय लगा था। ताजमहल को फारसी भाषा में क्राउन्स ऑफ पैलेस कहा जाता है। ताजमहल के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। इसका प्रवेश शुल्क ₹50 पर पर्सन है। इसके बाद आप जा सकते हैं ताज संग्रहालय। ताजमहल परिसर के अंदर स्थित ताज गार्डन के पश्चिम छोर पर 1982 में ताज संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ताज संग्रहालय की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और देखने योग्य है। अब हम अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आगरा का किला, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, जो ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। आगरा के इस खूबसूरत किले का निर्माण सन 1565 मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। इस किले में आपको बहुत सारे स्पॉट्स देखने मिल जाएंगे, जैसे कि शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल और अंगूर बाग मौजूद है। इसके अलावा आगरा का यह शानदार किला यूनेस्को के विश्व धौलाधार स्थल में भी शामिल है। आगरा किले का प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए ₹40 तो वही विदेशों के लिए ₹550 है, और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यह खुला रहता है। आगे बात करते हैं मेहताब बाग की, जो प्राकृतिक आनंद लेने और
आगरा के सबसे दर्शनीय स्थलों में से एक है। आकार में पूरी तरह से चतुर्भुज और बोलचाल की दृष्टि से मूनलाइट गार्डन के रूप में जाना जाता है। भारतीय पर्यटकों के लिए प्रति व्यक्ति एंट्री फीस 30 रुपए तो विदेशों के लिए 200 रुपए है। आप आगे देख सकते हैं इदमत उद्दौला का मकबरा, जिसे बेबी ताजमहल के रूप में जाना जाता है। इदमत उद्दौला का मकबरा एक मुगल मकबरा है और इसे अक्सर ताजमहल की नकल में माना जाता है। यह पूरी तरह से संगमरमर से बना भारत का पहला मकबरा है। यह मकबरा 1628 में बनकर तैयार हुआ था। यह मकबरा सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और बात करें प्रवेश शुल्क की, तो भारतीयों के लिए यहाँ 10 रुपए और विदेशों के लिए 110 रुपए लगते हैं। और आप आगे देख सकते हैं चिन्नी का रोजा। चिन्नी का रोजा एक अंतिम संस्कार स्मारक है जो आगरा में यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह चीन मकबरे के रूप में भी जाना जाता है। 1628 और 1639 के बीच निर्मित इस स्मारक की वास्तुकला इंडो फारसी शैली का अद्भुत नमूना है। अब हम बात करते हैं आगरा शहर का एक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, जो है अकबर का मकबरा, जहां अकबर को दफन किया गया है। यह आगरा से करीब 13 किलोमीटर सिकंदरा नमक स्थान पर स्थित है। माना जाता है कि यह मकबरा 1605 और 1618 के बीच बनाया गया था। ये थी हमारी फर्स्ट डे की जर्नी। सेकेंड डे आप आगरा में शॉपिंग भी कर सकते हैं। खरीदारी करते समय आप संगमरवर के शिल्पों को खरीदना ना भूलें। आप ताजमहल या सुंदर संगमरवर से बनी चीजें खरीद सकते हैं। आगे बात करते हैं फतेहपुर सिकरी की, जिसकी स्थापना मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में की गई थी। फतेहपुर सिकरी जोधाबाई के महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती के मकबरे का घर है। यह स्मारक शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगरा से फतेहपुर सिकरी 37 किलोमीटर की दूरी पर है। बुलंद दरवाजा हफ्ते के सभी दिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। इसके एंट्री की बात करें तो भारतीयों के लिए केवल 10 रुपए पर पर्सन लगते हैं, तो विदेशों के लिए 750 रुपए लगते हैं। यहाँ पे आप पूरा दिन बिता सकते हैं। और बात करें अगर बजट की, तो दो दिन के ट्रिप का खर्चा आपको 8000 से 10000 तक पर पर्सन आ जाएगा। तो ये थी आगरा के बारे में जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।